بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القضاء حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باريا صدره من السف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه متفق عليه او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه रवायत फरमाते हैं आका इनामदार सरवर कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ें नमाज में इस तरह से बराबर फरमाते थे कान्नमा युसवी बिहल क़िदा गोया के उन सफ़ों के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर को सीधा फरमाएंगे। यहाँ तक कि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सीख लिया और समझ गए कि सफ़ों का सीधा रखना कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो मखरज यौमन फिर एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। यहाँ तक कि करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा कहें फरआ रजुलन बादियन सदरहु मिन सफ कि इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी सफ में अपना सीना आगे की तरफ निकाले हुए खड़ा है। तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के बंदो لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو او لَيُخَالِفُنَّ اللَّهَ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ورنہ اللہ رب العزت تمہارے درمیان میں اختلاف پیدا فرما دیں گے۔ اس حدیث میں صفوں کی برابری کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ عرب کے اندر جو تیر ہوتا تھا उसके बनाने में बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे कि तीर जो है बिल्कुल सीधा हो, और इसीलिए मुहावरतन जब मिसाल देते थे किसी चीज़ के सीधे होने की तो तीर के साथ मिसाल दिया करते थे। तो यहाँ पर साहबी फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़े इस तरह नमाज में सीधे फरमाते थे कि गोया उसके ज़रिए से आप तीर को सीधा फरमाएंगे, यानी इस कदर सफ़े जो हैं वो बराबर और सीधी होती थी। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो एक आदमी को सब से अपना सीना जो है बाहर की तरफ निकाले हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदो सफ़ों को सीधा रखा करो वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ पैदा फरमा देंगे। फरमाया कि सफ़ों को सीधा करना ये नमाज का हिस्सा है, नमाज कायम करना जो है वो बगैर सफ़ों के सीधा करने के नहीं हो सकता। तो इसलिए फरमाया कि अगर कोई आदमी नमाज के अंदर सफ़ें सीधा नहीं करता, आगे पीछे होकर के खड़े होते हैं, तो इसके नतीजे में ज़ाहिर के एतबार से वो शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, और इस ज़ाहिर की ख़िलाफ़ वर्जी और नाफरमानी की वजह से इसके जो असरात हैं फरमाया वो बातिन के ऊपर पहुँचेंगे, दिल के ऊपर पहुँचेंगे, और उसके नतीजे में दिल के अंदर फिर नफ़रत, अदावत,
और दुश्मनी और बुग़्ज़ जो है वो इंसानों के साथ जो है पैदा होगा। इसलिए कि जब ज़ाहिर में जो है उनका आपस में इत्तेफाक नहीं है, कोई आगे है कोई पीछे है, तो उसके असरात बातन पर पड़ेंगे और फिर दिलों के अंदर बोझ पैदा होगा और उसके नतीजे में फिर कोई आदमी किसी दूसरे का ख्याल नहीं रखेगा, किसी दूसरे की रियायत नहीं करेगा और आपस में इंतशार और इख्तलाफ जो है वो पैदा हो जाएगा। तो इसलिए फरमाया कि सफ़ों को सीधा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सव्वु सुफूफकुम, अपने सफ़ों को सीधा रखा करो, इसलिए कि सफ़ों का सीधा करना ये नमाज की तकमील का एक हिस्सा है कि इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नमाज खड़ी होती तो फ़क़ार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कंधों के ऊपर अपने दस्ते मुबारक रख करके इरशाद फरमाते इस्तवु वला तख्तलिफु, लोगों बराबर बराबर हो जाओ और आगे पीछे मत हो। फतख्तलिफा कुलूबकुम, अगर तुम आगे पीछे हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दिलों को मुख्तलिफ़ कर देगा, तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ़ पैदा फरमा देगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते लयरियनी मिनकुम उलुल अलहाम वन नुहा, कि मेरे करीब वो लोग खड़े हों कि जो आकिल हों और जो बालिग हों। सुम्मल्लज़ीने यलूनहुम सुम्मल्लज़ीने यलूनहुम, फिर वो लोग उनके करीब खड़े हों जो उनसे करीब हों और फिर वो जो उनसे करीब हों। अबू मसूद फरमाते हैं कि फ़अंतुम अल्यौम अशद्दु इख्तिलाफ़न, आज के दिन जो है तुम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ पाया जाता है। इस हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों की तरतीब भी बयान फरमा दी कि जब सफ़ बनाई जाए तो सफ़ बनाने का तरीका ये है कि इमाम के पीछे से सफ़ जो है वो बनानी शुरू की जाए, किसी एक कोने से किसी एक किनारे से सफ़ को न बनाया जाए बल्कि सफ़ जो है इमाम के पीछे से शुरू की जाए। और इमाम के पीछे वो लोग खड़े हों कि जो आकिल हों और बालिग हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पीछे वो लोग खड़े हों कि जो आकिल और बालिग हों, ताकि वो नमाज का तरीका नमाज की तरकीब सीखें और सीख करके फिर आगे उम्मत तक जो है उसको पहुँचाएँ। इसलिए फरमाया कि इमाम के पीछे वो लोग खड़े हों कि जो नमाज पढ़ाने की सलाहियत रखते हों, कि अगर इमाम को कोई उज़र जो है लाहिक हो जाता है दौरान नमाज, तो पीछे ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनको इमाम जो है आगे मसल्ले पे खड़ा करके जो है वो नमाज पढ़ा सकें, उनकी इतनी काबिलियत हो। और फिर फरमाया कि इसके साथ साथ जो इनसे करीब लोग हों यानी दूसरी सफ में, फिर वो खड़े हों कि जो करीब बुलूग के करीब हैं, और फिर तीसरी सफ में बच्चे खड़े हों, और सबसे आखिर में जो है औरतों की सफ़ होगी। तो इस तरीके से फरमाया सफ़ बनाई जाए, और सफ़ में जो दाएं तरफ है इमाम का जो दाएं तरफ होता है, फरमाया कि ये बहुत ज़्यादा फजीलत वाला हिस्सा है कि इमाम के दाएं तरफ खड़ा हुआ जाए, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते ऐसे लोगों के ऊपर रहमत नाजिल फरमाते हैं जो इमाम के दाएं तरफ हों। सबसे ज़्यादा रहमत इमाम के पीछे खड़े होने वालों पर, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि जब सफ़ बनाई जाए तो दोनों तरफ जो है बराबर हों, दाएं तरफ एक आदमी और फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, बाएं तरफ जो है एक कम रहे, दाएं तरफ एक जो है ज़्यादा हो। और पहली सफ़ को मुकम्मल किया जाए, जब तक पहली सफ़ मुकम्मल ना हो उस वक़्त तक जो है दूसरी सफ़ शुरू न की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब सफ़ बनाओ तो अपनी पहली सफ़ को मुकम्मल करो, ताकि जो नुकसान हो जो कमी हो तो वो आखिरी सफ़ के अंदर रहे, दूसरी या तीसरी सफ़ में रहे। जब तक पहली सफ़ में गुंजाइश हो, फरमाया उस वक़्त तक जो है पीछे जो है न खड़ा हो, बल्कि पहली सफ़ को मुकम्मल करके दूसरी सफ़ जो है फिर इमाम के पीछे से शुरू करके उसको जो है बनाया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे ज़्यादा कदमों में वो कदम पसंदीदा और महबूब है कि जो पहली सफ़ में अगर जगह खाली हो उसको पुर करने के लिए आगे बढ़े। नहीं, अगर पहली सफ़ में जगह खाली है और जो आदमी उस जगह को पुर करने के लिए कदम बढ़ाएगा, आगे बढ़ेगा, तो उस कदम का उठना पहली सफ़ के मुकम्मल करने के लिए, फरमाया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ही ज़्यादा महबूब है। तो इसलिए जब तक पहली सफ़ के अंदर गुंजाइश हो उसको देख लिया जाए, उसको मुकम्मल कर लिया जाए, और पहली सफ़ मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद जो है दूसरी सफ़ शुरू की जाए।
और सबको सीधा करने का तरीका ये है कि जब सफ के अंदर खड़े हों तो सफ जो है चखने और पिंडली के ज़रिए से जो है सबको बराबर किया जाए, इसलिए कि हर एक इंसान के जो कद कामत है वो मुख्तलिफ होती है और कद कामत के मुख्तलिफ होने के साथ साथ पाँव भी किसी के बड़े होते हैं किसी के छोटे होते हैं, तो अगर पंजों के ज़रिए से सबको सीधा करेंगे तो नहीं हो सकेगी, इसी तरह एड़ियों के ज़रिए से अगर सब सीधा करना चाहेंगे तो नहीं हो सकेगी। तो इसलिए फरमाया कि जो लाइन है उसके ऊपर एड़ियाँ रख करके जो टखने हैं, एक आदमी का टखना दूसरे के टखने के साथ, एक की पिंडली जो है दूसरी की पिंडली के साथ, और एक का कंधा जो है वो दूसरे के कंधे के साथ मिला हुआ हो, तो जब ये सीध में होंगे टखना टखने की सीध में होगा, कंधा कंधे की सीध में होगा, तो इस तरह जो है सफ़ें दुरुस्त हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमल करने की तौफीक अता फरमाई। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لذنب إلا قضيتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين